जैसे ये पाकिस्तान के हवाले से मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट आई और बहुत सारी जो है नई होप्स लेके आई कि बहुत ही कोई हम चेंज ला रहे हैं कर रहे हैं, मगर ये फैक्ट है कि आफ्टर 8-9 मंथ्स यहाँ पर बैसित कौम जो है वो हम जैसे मायूस कौम तो पहले से थे, मज़ीद जो है वो मायूस किया गया है। यानी इकोनॉमिक सूरत हाल आज ये है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर लीजिए और स्टॉक के एक ब्रोकर ने जो है वो सुसाइड कर लिया। अभी मैं और आप जिस महफिल में थे वहाँ इसका तस्करा भी हो रहा था, तो वो उसने जो है ना वो इतना ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ हुआ तो सुसाइड कर लिया। तो पाकिस्तान की आप हाल और मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन को भी और यहाँ के कॉमन मैन को भी, जो कॉमन मैन है जारी बात है उसकी तादाद बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पर आप कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है, अखलाकी सूरत हाल है, बहसियत एक नेशन जो है वो आप क्या समझते हैं कि मतलब हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए? हम वही हैं जहाँ हम होना चाहते हैं। हम कौम जो है कि इमरान खान ने तो नहीं ठेका लिया हुआ कि इमरान खान आगे बनाएगा, कौम आमिर रफ़ी बनाएगा, रेहान अल्लाह वाला बनाएगा, आमिर रफ़ी के भाई बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे, बेगम बनाएंगे, सब बनाएंगे। या इस मुल्क में शान मसाला तरक्की कर सकता है, नेशनल मसाला तरक्की कर सकता है, फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, बड़े बड़े लोग बन सकते हैं, मलिक रियाज बन सकता है, तो क्या वो एक ही ने ठेका लिया हुआ है सारी दुनिया को? अगर वो आगे निकल जाते तो हम उसको बजाय इसके कि हम उससे सीखें कि वो आगे कैसे गया, हम तजस्सुस में जाएं, हम उससे सवाल करें। मैंने सिकंदर सुल्तान का इंटरव्यू लिया कि आप कैसे पहुंचे यहाँ तक, 1200 लोगों ने देखा है, कोई बनना ही नहीं चाहता सिकंदर सुल्तान की। जी मैं भी अपने ड्राइवर को जो है बीच में मैं खाली आपको इंटरव्यू करके मैं वाकई ये फील करता हूँ, पहले हम भी क्रिटिसाइज करते रहते थे कि हमारी जो क्या कहते हैं जो फोर्सेज हैं वो अपना काम छोड़ के जो है ना मुल्क की मईशत चलाने में और सब में हुकूमतों में लगी हुई होती है, मगर मैं बहसियत माशरा भी मैं देखता हूँ ना, यानी एक बहुत अच्छा एजुकेशनिस्ट है जो बहुत अच्छा जो है वो स्कूल चला रहा होगा, कॉलेज रन्स कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, मगर मैं ये देखूंगा कि वो उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा कि मैं इसके अंदर कोई एक मॉडल स्कूल बना दूं या मैं इसमें लोगों को हेल्प आउट कर दूं। वो देखे पका के बांट रहा होगा जो उसका मसला नहीं है, वो कुछ और कर रहा होगा जिसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो भी बेसिकली एज ए इंडिविजुअल भी जो एक्सपर्टीज जो काम हमारा करने का होता है ना हम वो छोड़ के दीगर काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम टोटल कमर्शलाइजेशन की तरफ है, तो इसीलिए हम शायद मतलब यानी कि हमारे सोते हुए भी जो है वो सोच और जागते हुए भी सारी जो सोच है ना वो एक लिमिटेड सर्कल में ही घूम रही होती है, तो इसीलिए हम एज ए नेशन जो है ना वो डेवलप भी नहीं कर पा रहे कि जो एक्सपर्टीज हमारी होती है उसको छोड़कर हम यानी देख में घुसे हुए होते हैं। जी आप अपनी कंटिन्यू करें, सॉरी। तो मैं आपको एक पुरानी मिसाल बताऊंगा कि जो छोटे लोग होते हैं वो लोगों के बारे में बातें करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में बातें करते हैं, वो कुछ क्रिएट करने के बारे में बात करते हैं। आप अभी भी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोग जो है वो नहीं, छोटा आपकी चॉइस है, आपको अल्लाह मियां ने छोटा नहीं बनाया, ठीक है, एक हद तक आपकी चॉइस नहीं थी कि आपको एक ऐसे घर में पैदा किया गया कि जहाँ पर यू नो सर्कमस्टेंसेस भी तो काउंट करते हैं ना। वॉरेन बफे कहता है कि द लॉटरी ऑफ एम्ब्रियो, लॉटरी निकली आपकी कि आप किसके घर, अम्मा के घर में पैदा हो गए, किसके अब्बा के घर में चले गए। बट एट द सेम टाइम आज ही के दौर में मैंने गुजारिश की ना कि जो बड़े लोग हैं, जिनको बड़े हैं, जिनको हम बड़ा समझते हैं, उनकी अच्छाइयां तो ले लें। हम जो हैं 17 साल एक बच्चे को मदरसे भेजते हैं कि जाओ तुम इस्लाम सीख कर आ जाओ, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीज़ों को कॉपी नहीं कर रहा है, उनके कैरेक्टर को, इखलाक को कॉपी नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा 22 मिलियन के शहर में आप रहते हैं, बताएं दूध बगैर पानी का कहाँ मिलता है? हजारों मौलवी हैं, हजारों मस्जिदें हैं ना यहाँ पे, कौन सी दुकान है जहाँ पे बगैर मिला हुआ दूध मिलता है पानी के? सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, आप खुद दयानतदार नहीं हो रहे। सिस्टम ठीक है, खराब है, मानता हूँ मैं, उसमें तकलीफ हो रही है, मुझे भी हो रही है। मैं अपने आज जिस मौजू पे हम मिले थे मैं भी सिस्टम का शिकार हूँ, लेकिन मैं भी तो बर्दाश्त करूँ ना, मैं कहूँ ठीक है मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता चल लूंगा। हम सब छोटे शॉर्टकट में रहते हैं,
क्योंकि हमें पेशेंस नहीं सिखाई। नमाज का मकसद सबसे ज्यादा, नमाज में कौन सी सवाब मिलता है सबसे ज्यादा? सवाब कौन सी नमाज में मिलता है? तहज्जुद में जो हम सबसे ज्यादा चीज सिखाई जाने का पर्पस मुझे लगता है वो मेडिटेशन, फोकस रखना, एक आदमी की बात को गौर से सुनना। हम गौर से कहाँ सुनते हैं? हम 5 मिनट कुर्सी पे बगैर पांव हिलाए बैठ सकते हैं? हम 10 मिनट किसी की बात को मस्जिद में जुम्मे का खुतबा गौर से सुनते हैं? हम 10 मिनट किसी की बात को, किसी की गाली गलौज को सुन सकते हैं? हमारा बर्दाश्त है? हमने, हमारी जो जमीन है ना, मैंने गुजारिश की थी सख्त हो गई, हमने अपने दिमागों को, दिलों को सख्त कर दिया, काला कर दिया, जो कुरान कहता है। जब तक हम इसको नरम नहीं करेंगे इसमें कुछ उगेगा नहीं, ये सख्त हो गई। आप रोड पे चले जाएं कोई हॉर्न के बजाय बगैर गाड़ी नहीं चला सकता, बर्दाश्त ही नहीं है। मैं अमेरिका में होता हूँ, यूरोप में होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, दूर से आदमी गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता है। आप रोड पे क्रॉस तो करें, आदमी गाड़ी रोक देता है, वो दूर से रोकता है। यहाँ पे गाड़ी, आप अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा हूँ होता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ, मैं जानबूझ के आराम आराम से चलता हूँ, मैं तो शायद रुके नहीं रुकता। अब इसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोका है, या प्राइम मिनिस्टर ने रोका है, या चीफ मिनिस्टर ने रोका है? यानी मुझे ये बताएं कि जब आप मरेंगे तो क्या चीफ मिनिस्टर आपकी गवाही देगा, इमरान खान गवाही देगा? सर ये आपकी तालीम का हिस्सा है भाई, आपकी तालीम सही है ना, मस्जिद ना स्कूल, फिर आप थर्ड पार्टी पे चले गए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तालीम नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? देता है बिल्कुल, बताता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना होता, बिल्कुल बताता है। पेशेंस नहीं है, आप नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, पेशेंस कहाँ है, सब्र कहाँ है? क्या फायदा ऐसी नमाज पढ़ने का जिसके अंदर आपके अंदर सब्र तहम्मुल पैदा ही नहीं हो रहा? आप नाक भी खुजा रहे हैं, सर भी खुजा रहे हैं, साफ भी कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि 5 मिनट के लिए। मुझे 2 दफा एक आदमी ने डांटा कि आप नमाज में खुजाए नहीं, मुझे ये बता देते अगर कि क्यों, मुझे समझाते हैं बेटा आप इसको ध्यान देना कहते हैं, बचपन से अम्मा कहती हैं बच्चे ध्यान दो, पढ़ाई भी ध्यान दो, ये नहीं था ध्यान किस तरह कहते हैं, ध्यान को अंग्रेजी में मेडिटेशन करना कहते हैं। तभी आपने ट्रेनिंग ली ध्यान देने की, मैं ठंडी पे था। मेडिटेशन को अंग्रेजी में ध्यान कहते हैं और मेडिटेशन को उर्दू में ध्यान कहते हैं। हमें तो ध्यान देना नहीं सिखाया, तो हम ध्यान कहाँ देते, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। कारपेंटर कारपेंटरी भी ध्यान नहीं देता, चाय वाला चाय पर ध्यान नहीं देता, हर आदमी अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप थाईलैंड गए ना, आपको पसंद है, गरीब मुल्क है ना, आप ज़रा लोगों के चेहरों को देखें कैसे ग्लो कर रहे होते हैं, सुकून नज़र आता है मुझे तो। मैंने 2-3 दफ़ा बसों में सफ़र किया तो मेरे साथ एक दफ़ा बर्ची बैठा हुआ था, मैं उसके साथ गप्पे लगा रहा था, उसकी 4,000 या 5,000 तनख्वाह थी, सुकून था उसकी शक्ल, हमारे करोड़पति की शक्ल में भी सुकून नहीं होता। सुकून कहाँ से, बरकत ही कहाँ से चली गई? ये प्राइम मिनिस्टर करेगा आगे, आप खड़े होंगे, ईदी साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आगे अजराजी साहब बन जाइए आप, हम खड़े ही नहीं हो रहे। तो आपने क्या कहा, शहीद जिहाद करने से पहले क्या होगा? थोड़ी थोड़ी से पहले आप शेर से ही सुना थे ना, एक तू मार तो फिर मैं जागूंगा, क्या था वो? आप एक शेर सुना रहे थे कि जिहाद हम जब करेंगे, जब हमको कोई ठोकर मारेगा पहले वार कर लो, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। बस अब जख्म खा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, जग जाएंगे एक दिन, जब वक्त आएगा, नहीं आया वक्त अभी तक। बेगैरत गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। मौसम मुबालिक है इंडिया के शायर, ठीक है कहीं के जाओ, इंडिया भी आपने ना लाइन खींची, पुरानी में तो लिखा है इंडिया वैसा है, ये पाकिस्तान बनेगा, ये कश्मीर बनेगा, यही लिखा हुआ है। जी जी, ये आप ही ने क्या बताया था वो शेर आपने इकबाल का, कौन सा वाला, इन ताज़ा खुदाओं में सुनाइएगा वो? मैं तो शेर तो भूलिए, आपने निकाल के बताया था भारत के, क्या था उसका कॉन्टेक्स्ट? क्या उसका कॉन्टेक्स्ट? यही था कि वतन एक खुदा है, यानी कि ये वतनों वतन को भी खुदा बना लिया। हाँ, वतन को भी खुदा बना लिया कि भाई तू तुर्की का है, मैं पाकिस्तान का हूँ, उस पर इंसान नहीं हूँ, ये वो इंसानियत काम नहीं आ रही है, एक नया रिश्ता जुड़ा। हालांकि बहसियत अगर हम उसको इस्लाम के भी देखें तो इस्लाम तो उम्मत से कायम है ना, तो उसमें भी हमने जो है ना, तू सऊदी है, तू ईरानी है, तू पाकिस्तानी है, तू अफगानी है, उस पर कायम। तो ये सारे ही सब मैंने देखे, जितने बड़े टीचर हैं वो सब एक ही बात कर रहे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी एक टीचर को 5% पढ़ लेते हैं, 90% छोड़ देते हैं, चाहे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, उनको भी पूरा नहीं समझते हम। अपने काम का हम यहूदियों से कम नहीं है, हम पूरे वही हैं, अपने मर्जी का काम माल निकाल लेते हैं, बाकी जाया करते। तो मैं इसलिए, अच्छा शीशे में देखते ना जब आप,
जी शीशे जो देखते हैं तो आपको पता चलता है आपकी हकीकत क्या है। जब मैं गैर मुस्लिम हो जाता हूँ ना तब मुझे पता चलता है मैं मुसलमान कैसे हैं। एक बड़ी वजह मेरी ये है और मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ भी मुझे यही सब नजर आ रहा होता है, वो भी यही कर रहे हो, वो भी किसी से कम नहीं। उनकी मुझे एक बात बड़ी पसंद आई, तो कहती थी मुझे मेरा चूंकि रियल एस्टेट से काम है और वो प्रॉपर्टी के हवाले से वो आई हुई थी अमेरिका से और कुछ उनको सेल करनी थी प्रॉपर्टी डिफेंस का अपना प्लॉट और कुछ परचेजिंग भी करनी थी बाइंग भी करनी थी। तो कहती थी आमिर मुझे जो है ना प्लॉट मुझे कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी ऑफिस वगैरह कोई भी दिखाने के लिए जाओ मुझे साफ जगह चाहिए, अगर उसके पार्किंग लॉट में भी कहीं पानी की पीक होगी तो मैं उनको यहाँ क्लिफ्टन में मैं आपको कोट करता हूँ दो तलवार पे यहाँ दीप लाता है। मैं बेसमेंट में गया और वहाँ बेसमेंट में जो है वो उनकी गाड़ी जैसी खुली तो उन्होंने देखा लेफ्ट के बाद पीक पड़ी वो वापस गाड़ी में जाके बैठ गई। तो मैंने कहा क्या हुआ आंटी, कह लेंगे नहीं मुझे यहाँ ऊपर बैठेंगे आंटी बहुत अच्छा ऑफिस है ऊपर, कह लेंगे नहीं नहीं मुझे यहाँ लेना ही नहीं। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कह लेंगे इसके तो लिफ्ट के पास ही पीक पड़ी है तो हम तो मुसलमान हैं यहाँ सफाई नहीं है तो मैं कैसे मैं वहाँ अमेरिका में रहती हूँ मैं कैसे अपने आप को रिटर्न करूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मैं तो सबसे ज़्यादा साफ होनी चाहिए, अमेरिकन मुझे देखेंगे भाई ये लोग साफ होते हैं उनके तो ईमान का हिस्सा नहीं है, वो तो सफाई को इसलिए रखते हैं कि हाँ भाई साफ रहना चाहिए, हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि सफाई नहीं तो ईमान का हालत हमारे सामने है। ये सारी फिर आप क्यों इमरान खान या पीपीपी या किसी भी पार्टी को बुरा कहते हैं, पीपीपी ने या इमरान खान ने तो आपको अपनी गली को साफ करने से नहीं रोका लेकिन उनको क्रिटिसिज्म इसलिए होता है नहीं होना चाहिए सुन लेना उसकी वजह सुन नहीं मैं नहीं सुनना चाहता ये गलत बात है लेकिन आप इसलिए कि ये शहर आप भी वो जो पेशेंट का मसला नहीं है इसका जवाब सुने ना नहीं मैं सुनना ही चाहता ये तो है। नहीं सुनना चाहता इसलिए कि मैंने आपसे कहा मुझसे सवाल करने से जब मैं आपका इंटरव्यू करूंगा आप पूरी कहानी सुनाइएगा, आपको बयानात रिकॉर्ड कराएं आप क्रिटिसिज्म करें सुबह से शाम तक वही कर रही है ना पब्लिक करें एक बार आप पे होगा तो फिर जवाब आ जाएगा। मैं देखें हमेशा हर चीज में मुसाफिरों में और ड्राइविंग सीट में फर्क होगा, जो ड्राइव कर रहा होता है वो अमेरिका में खवातीन वोट कब देना शुरू किया 70 साल पहले, उससे पहले खवातीन वोट नहीं दे सकती थी। अमेरिका में कालों ने वोट कब से देना शुरू किया सिर्फ 50 साल पहले और किसने करवाया ये ठीक, गवर्नमेंट ने नहीं करा पैसेंजर ने ठीक करवाया।